911 ஒரு கிராம तो ये जो ट्रेंड है इसके ऊपर अगर आपको एक परफेक्ट रील बनाना होगा तो सबसे पहले यहाँ पर आपको खुद के 20 मतलब 20 फोटो रेडी करके रख देने हैं। 20 फोटोज रेडी हो जाने के बाद आपको प्ले स्टोर पर जाके एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है जिसका नाम है VN एप्लीकेशन, जो स्क्रीन के ऊपर मैं मूव कर रहा हूँ। तो ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करके सिंपली आपको इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको आपके मोबाइल पर शो हो जाएगा। अभी स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे नीचे आपको एक प्लस का आइकॉन आ जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर एक न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा, इसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। और अभी यहाँ पर सबसे पहले आपको एक टेम्पलेट को ऐड करना है। तो टेम्पलेट में आपको स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा हूँ, आप देख सकते हो ये वाला जो टेम्पलेट है इसे आपको यहाँ पर ऐड करना है। तो ये वाला जो टेम्पलेट वो आपको रेडीमेड मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। और मेरे टेलीग्राम चैनल का जो लिस्ट है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उस लिंक के ऊपर जाके ये टेम्पलेट को आपको डाउनलोड करना है और यहाँ पर आके इसे सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से। इसके बाद ऊपर एक फोटो का ऑप्शन दिखेगा, तो फोटो वाले ऑप्शन पर जाना है। अभी यहाँ पर ऊपर एक ऑल का ऑप्शन आ जाएगा, ऑल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपको आपके मोबाइल पे जितने भी फोल्डर है सारे फोल्डर की लिस्ट आ जाएगी। इसमें से जिस भी फोल्डर में आपने वो फोटोज रखे होंगे उस फोल्डर को यहाँ से ओपन करना है और टोटल 20 फोटोज़ को यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। तो कुछ इस तरीके से आपको फोटोज़ को सिलेक्ट करते जाना है। जैसे आप फोटोज़ को सिलेक्ट करोगे यहाँ पर नंबरिंग आ जाएगी, तो इस तरीके से आपको पता चलेगा कि कितने फोटोज़ आपने सिलेक्ट कर लिए है। तो इस तरीके से आपको टोटल 20 फोटोज़ को सिलेक्ट करना है। 20 फोटो सिलेक्ट हो जाने के बाद स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे नीचे आपको एक ब्लू कलर का फॉरवर्ड एरो आ जाएगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर सेंटर में आपको एक ओरिजिनल का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पर एक 9:16 का फ्रेम रेशो दिखेगा, इसे आपको सिलेक्ट करना है और ऊपर जो 9:16 लिखा हुआ है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे यहाँ पर आपको एक स्पीकर का आइकॉन दिखेगा, तो इसके ऊपर आपको एक बार क्लिक करना है जिससे बैकग्राउंड ऑडियो जो है वो म्यूट हो जाएगा। इसके बाद आपको वीडियो के एकदम स्टार्टिंग पर आना है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो एक टैप टू ऐड म्यूजिक का ऑप्शन है, तो इसके ऊपर क्लिक करना है, म्यूजिक के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अभी जो ट्रेंड है इसके लिए बैकग्राउंड ऑडियो लगेगा, तो बैकग्राउंड ऑडियो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आपको इसे डाउनलोड कर लेना है और यहाँ पर आके सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के लिए आप देख सकते हो ऑडियो के सामने एक चूज़ का ऑप्शन है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर नीचे आपको एक म्यूजिक बीट्स का ऑप्शन आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। और अभी यहाँ पर आपको टोटल 19 बीट्स ऐड करनी है, तो बीट कैसे ऐड करते हैं वो भी आपको बता देता हूँ। तो स्क्रीन के ऊपर जहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ आप देख सकते हो यहाँ पर 0.00 ऐसे लिखा हुआ है, और जैसे इस ऑडियो के बार को मैं आगे करूँगा तो टाइम बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट बीट है उसका टाइम है 7.44, तो यहाँ पर 7.44 आने तक आपको इसे मूव करना है। और जिस पॉइंट पे 7.44 आ जाएगा उस पॉइंट पे आके रुक जाना है। जैसे अभी आप देख सकते हो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर 7.44 आ चुका है। तो इसके बाद स्क्रीन के नीचे सेंटर में आपको एक रेड कलर का सर्कल दिखेगा जिसके अंदर एक फ्लैग का आइकॉन बना हुआ है, उसके ऊपर आपको एक बार क्लिक करना है। यहाँ पर एक नंबर आ जाएगा, मतलब आपकी जो फर्स्ट बीट है वो यहाँ पर ऐड हो चुकी है। तो सिमिलरली बचे हुए बाकी की जो 18 बीट्स है वो भी आपको ऐसे ही ऐड करनी है। बचे हुए 18 बीट्स का जो टाइम ड्यूरेशन है स्क्रीन के ऊपर मैं आपको शो कर दूंगा, उस हिसाब से आपको सारे बीट्स को यहाँ पर ऐड करके लेना है। सारी बीट ऐड हो जाने के बाद ऑडियो के बारे में कुछ इस तरीके से आपको 19 नंबर शो हो जाएंगे। इसके बाद स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे नीचे एक सिंगल टिक मार्क आ जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। फिर से एक सिंगल टिक मार्क आ जाएगा, उसके ऊपर क्लिक कर देना है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो यह जो ब्लू कलर का बार है आपको ऑडियो का बार है, इसके अंदर आपको छोटी छोटी वर्टिकल लाइन शो रही होगी। तो आपको सबसे पहले कोई भी आप जैसे आप कोई भी फोटो को जूम करते हो वैसे दो उंगलियों की मदद से यहाँ पर आपको इस तरीके से जूम करके ले लेना है ताकि आपको एडिट करने के लिए थोड़ी सी स्पेस मिल जाए। अभी यहाँ पर जो फर्स्ट आपने टेम्पलेट ऐड किया है उसे आपको इग्नोर करना है। इसके बाद जो फर्स्ट आपका फोटो रहेगा उसे आपको हर एक फोटो को हर एक लाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पर एडजस्ट करके ले लेना है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑडियो के बारे में जो फर्स्ट वर्टिकल लाइन है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके बाद नीचे जो फोटो का बार दिखेगा उसे सिलेक्ट करके उसे उस पॉइंट तक इस तरीके से आपको ड्रैग करके लेना है। फोटो के राइट और लेफ्ट साइड में आपको येलो कलर की बॉर्डर शो हो जाएगी, तो राइट हैंड साइड की जो येलो कलर की बॉर्डर है उसे आपको पीछे की साइड में कुछ इस तरीके से ड्रैग करना है और उस लाइन तक आपको खींच के ले लेना है कुछ इस तरीके से, जैसे मैं अभी सेकेंड फोटो को भी आपको करके दिखा रहा हूँ। तो आपको ऐसे हर एक फोटो को हर एक लाइन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना है। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने हर एक लाइन के अकॉर्डिंग हर एक फोटो को यहाँ पर एडजस्ट कर लिया, लेकिन लास्ट वाले फोटो के लिए आपको ऊपर कोई भी वर्टिकल लाइन शो नहीं हो रही। तो आपको करना है कि आपको ऑडियो का बार जिस पॉइंट पे एंड हो रहा है उस पॉइंट तक लास्ट वाले फोटो को इस तरीके से ड्रैग करके लेना है। इसके बाद आपको वीडियो के एकदम स्टार्टिंग पर आना है। यहाँ पर आपका जो फर्स्ट वीडियो का टेम्पलेट रहेगा, इसके बाद वाला जो फर्स्ट फोटो रहेगा, तो फर्स्ट फोटो के बार को इस तरीके से सिलेक्ट करना है। नीचे आपको एक FX का ऑप्शन आ जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब ये जो व्हाइट वर्टिकल लाइन है यहाँ पर आपको शो हो रही है, इसे आपको फोटो के एकदम स्टार्टिंग पर कुछ इस तरीके से लेकर आना है। नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, तो इसमें आपको एक जूम इन का ऑप्शन दिखेगा, तो इस जूम इन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और नीचे एक अप्लाई टू ऑल का ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक कर देना है।
इसके बाद वीडियो के एकदम स्टार्टिंग पर आना है। जो फर्स्ट आपने वीडियो का टेम्पलेट ऐड किया था इसके बार को सिलेक्ट करना है, इफेक्ट्स पे जाना है। सारे जो इफेक्ट हैं इनको आपको राइट साइड में स्क्रॉल करना है। अभी स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड पर स्टार्ट पे आपको एक नन का ऑप्शन आ जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करके नीचे एक सिंगल टिक मार्क आ जाएगा, उसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद इस वीडियो को अगर आप यहाँ पर प्ले करके देखोगे तो ये परफेक्टली आपका बीट्स के अकॉर्डिंग मैच होता हुआ जो ट्रेंडिंग रील है वो यहाँ पर रेडी हो जाएगा। तो इसके बाद इस रील को अगर आपको आपके मोबाइल की गैलरी में सेव करना है तो स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे ऊपर आपको एक एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ जाएगा या अपवर्ड एरो का ऑप्शन आ जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। अभी यहाँ पर आपको नीचे एक सिंगल टिक मार्क का ऑप्शन आ जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो बना वीडियो आपके मोबाइल की गैलरी में सेव होना शुरू हो जाएगा। 100% एक्सपोर्ट हो जाने के बाद नीचे आपको एक सेव टू एल्बम का ऑप्शन आ जाएगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो बना वीडियो आपके मोबाइल की गैलरी में सेव हो जाएगा। इसके बाद इसे आप एज अ रील इंस्टाग्राम के रील सेक्शन पर अपलोड कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से जो ट्रेंडिंग रील इसे आप बना सकते हो। तो अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।